सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं, कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी। कल को खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी, तो समझ लीजिए आप। टिप्पणी करके सम्राट चौधरी ने अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दिया है। सम्राट चौधरी जो है ना, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के दस्कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं, कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी। कल को खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी, तो समझ लीजिए आप, बिहार की बेटी और बहनें आपको जवाब देगी। भारतीय संस्कृति में पारिवारिक मूल्य बहुत अहम है। यहाँ पे अगर कोई पिता बीमार हो जाए तो बेटा या बेटी अगर अपने शरीर का अंग भी दान करना पड़े और उन्हें बचाना पड़े तो वो बचाते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, पारिवारिक मूल्य है हमारे भारतीय संस्कृति का। और इस पर टिप्पणी करके सम्राट चौधरी ने अपनी गिरी हुई मानसिकता का परिचय दिया है। इस पर टिप्पणी करके उन्होंने सभी माताओं का, बेटियों का अपमान किया है जो अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती है। जब रोहिणी आचार्य जी ने अपनी पिता को किडनी दान किया था, पार्टी से उठ करके लोगों ने इस बात की तारीफ की थी, अप्रिसिएट किया था कि एक बहुत ही अच्छा कार्य उनके द्वारा किया गया। लेकिन वहीं सम्राट चौधरी जी के द्वारा दिया गया ये इतना घटिया बयान महिलाओं के प्रति या समाज के प्रति, उनकी घटिया और दूषित सोच को दर्शा